हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। गुड बाय फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, जिसके लीड रोल में द लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना है। यह फिल्म का ट्रेलर बहुत ही शानदार है और रश्मिका मंदाना का यह डेब्यू फिल्म है। इसके बाद भी उनका दो बॉलीवुड के तरफ से फिल्म आने वाला है, स्क्रू ढीला टाइगर श्रॉफ के साथ और मिशन मजनू सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। यह दोनों फिल्में अभी आने वाली है। उससे पहले 7 अक्टूबर को गुड बाय फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन के साथ। सिनेमा घरों में ही इस फिल्म को रिलीज किए जाने वाला है। इस फिल्म के बारे में अगर बात किया जाए तो यह फिल्म तो बहुत ही शानदार है, ट्रेलर भी बहुत शानदार है। आप इस फिल्म को सीधा अपने फैमिली के साथ डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, आपको कोई भी रॉन्ग सीन नहीं देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर भी आप देख लीजिए, आपको ट्रेलर शानदार लगेगा। इस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादातर फिल्म अभी तक बना नहीं है, और लेकिन इस फिल्म के लिए भी डर बना हुआ है कि इस फिल्म को भी बैकवर्ड ना किया जाए। जो भी यह नारा चल रहा है बैकवर्ड का, जो हमारे सनातन धर्म को लेकर कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसमें भी उसी तरफ का कुछ कॉन्सेप्ट है कि माँ मर जाती है तो उनके साथ उनका ख्वाहिश रहता है कि ऐसा करना है, लेकिन पापा उनके चाहते हैं कि वैसा नहीं करना, बेटी चाहती है कि माँ का पसंद का हो। तो उस तरफ से भी अगर इस फिल्म को उस एंगल से देखा जाए तो यह बैकवर्ड वाले अगर देख लिए यह फिल्म को तो हो सकता है कि बैकवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नुकसान किया गया नहीं है। वैसे तो यह फिल्म रिलीज होने के बाद ही असली पता चलेगा कि क्या है फिल्म के अंदर क्या नहीं। वैसे तो स्टोरी लाइन कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि एक लड़की रहती है, उनके माँ बाप रहते हैं, पापा चाहते हैं कि वो अपने मर्जी से पापा के पैसों पर खर्चा रहे, लेकिन लड़की इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। इसी टाइप का स्टोरी है, शानदार फिल्म होने वाला है। आप अगर इस फिल्म को जानना चाहते हैं देखने तो ज़रूर देख सकते हैं फैमिली के साथ। 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।